हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें हमने आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री और क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, जो कि क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है। पहला पॉइंट है कि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। तो 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ था कि मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया, मतलब एक कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। दीवान नियुक्त करने का अर्थ क्या है कि राजस्व संबंधित जितने भी काम हैं उसका मुखिया, उसका जो एकदम अंतरिम जो हेड होगा वो कौन हो जाएंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब एक कंपनी हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट, 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया था और इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1770 में पड़े अकाल में बंगाल में लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, जो उस समय के आबादी की 1/3 थी, यानी कि केवल 2/3 ही आबादी बची थी। अगला पॉइंट, जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कार्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। तो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कौन लागू किया? कार्नवालिस ने लागू किया। पुलिस सेवा का जनक भी सही कहा जाता है, कार्नवालिस को ही ध्यान रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त भी लागू करने का काम किसका है? कार्नवालिस का ही हो जाएगा। अगला पॉइंट है, कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त में इसकी शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। इसमें क्या था कि जो राजा थे और जो तालुकदार थे उन्हें ही जमींदार माना गया और कर वसूलने का काम भी उन्हें ही दे दिया गया था। ठीक है, कर वसूलें और कंपनी को जमा करें, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी, कि फिक्स कर दिया गया था कि आपको इतना राशि देना है। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। इसमें एक पॉइंट ये था कि कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है कि किस जो व्यवस्था थी उसकी खासियत क्या थी? स्थायी बंदोबस्त की खासियत क्या थी कि जो राजा और तालुकदार थे उन्हें ही जमींदार के रूप में मान्यता मिली और कर इकट्ठा करने का काम भी उन्हें ही दे दिया। 1793 में लागू की गई थी किसके द्वारा? कार्नवालिस के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं इसी में कि कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था। कंपनी ने राजस्व, अब आप ही सोचिए, अगर आपको कह दिया जाए कि मान लीजिए आपको कोई सामान बेचना है और आपको कह दिया जाए कि आप जो एक दाम बताएंगे उसके बाद मैं आपको ना ही बढ़ने दूंगा ना घटने दूंगा, तो आप खुद ना हाई फाई दाम बताएंगे। ठीक उसी प्रकार जब कंपनी ने ये निश्चित कर लिया कि इसका जो रेट होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब एक ही बार जो रेट रख दिया जाएगा वही हमेशा रहेगा इस व्यवस्था का, तो जाहिर सी बात है कंपनी इसके लिए बहुत बड़ा राजस्व तय कर दी गई, तो इसका रेट बहुत हाई तय कर दिया गया था कि इसको चुकाने में जमींदारों को परेशानी होने लगी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो ये इसमें क्या था? डिमेरिट पॉइंट इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का था। उसके बाद एक नई व्यवस्था और के बारे में देख लेते हैं कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत में थी। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में, जो ज़्यादातर अब उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है, जो ज़्यादातर मतलब कि ये उत्तर प्रदेश और ये आसपास के जो क्षेत्र हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत में आएंगे ही, इसमें एक नई व्यवस्था लाई होल्ट मैकेंजी के द्वारा। होल्ट मैकेंजी जो कि एक अंग्रेज था, उसने एक नई व्यवस्था शुरू की 1822 में। मैकेंजी का विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गाँव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, और बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि होल्ट मैकेंजी का जो मानना था वो सही था कि जो भारतीय समाज है और जो उत्तर भारत का समाज है उसमें गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए और इसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया था। इनके आदेश पे जो कलेक्टर थे उन्होंने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीनों की जाँच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को भी दर्ज किया। गाँव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर, तो आप सोचिए इसमें क्या किया गया कि हर गांव के खेतों को जोड़ा गया और खेतों के अनुमानित राजस्व को जोड़ के टोटल कर दिया गया और गांव और या ग्राम समूह जिसे महाल कहा गया से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। मतलब कि इसमें
गांव के समूह से। अब गांव के समूह का अगर वो है तो उसको वसूलेगा कौन? मुखिया को वसूलने का काम भी दे दिया गया था। ठीक है, तो एक नई व्यवस्था उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत में 1822 में लागू की गई। किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी के द्वारा। और इसको क्या कहा गया? महलवाड़ी व्यवस्था। इसको महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इसमें गांव के टोटल हर गांव के या कई गांव के समूह के हर खेतों का राजस्व जोड़ के इकट्ठा ले लिया जाता था। ठीक है, इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई थी। राजस्व इकट्ठा करने और इसे कंपनी को अदा करने का जिम्मेदार कौन था? जमींदार होता था नहीं होता था गांव का मुखिया होता था। सॉरी, जमींदार तो मैं पहले ही बता दिया कि कौन होता था, गांव का मुखिया होता था। तो जैसे कि जमींदार किसमें होते थे, प्रश्न बनेगा कि जमींदार जो कर वसूलने का काम किस व्यवस्था में करते थे, वो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था, महल का अर्थ ही होता है, महल का अर्थ होता है गाँव का समूह, गाँव का समूह, महल का अर्थ होता है समूह। तो 1822 में जो महलवाड़ी व्यवस्था आई हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, उसमें क्या था कि गांव या गांव के समूहों के सभी खेतों का निरीक्षण किया जाता था और अनुमानित राजस्व को जोड़कर बता दिया जाता था। और इसको वसूलने का काम किसका था? जमींदार का नहीं होता था, बल्कि ये किसका होता था? गाँव के मुखिया का होता था। ये किसका होता था? गाँव के मुखिया को सौंप दिया गया था और इसे महलवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। ठीक है, अब मुंडरू व्यवस्था देख लेते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय क्षेत्र में, अब साउथ इंडिया में अगर बात होगी तो वहाँ कौन सी व्यवस्था है? मुंडरू व्यवस्था है। ठीक है, वहाँ स्थायी बंदोबस्त की जगह मुंडरू व्यवस्था क्यों आई? क्योंकि वहाँ गांव का मुखिया वाला कोई सिस्टम ही नहीं था, वहाँ मुखिया वाला सिस्टम था नहीं। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाद या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया, मतलब कि डायरेक्ट किसान, क्योंकि वहाँ सिर्फ किसान होते थे। रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान। किसान बराबर लिख लीजिए रैयत। ठीक है, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, दक्षिण भारतीय इलाकों में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में, यहाँ लिख लीजिए कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। जब अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान को हराया तो जो हिस्सा कब्जे में आया था उसमें ये व्यवस्था को चेक भी कर लिया गया था, ट्रायल भी इसका ले लिया गया था। थॉमस मुंडरू और अलेक्जेंडर रीड इस जो व्यवस्था थे उसके क्या करते हैं? जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे यह पूरे दक्षिण भारतीय इलाकों में फैल गई थी। रीड और मुंडरू को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत रूप से जमींदार नहीं है, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त कराना चाहिए और जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। तो ठीक है, अब इसमें तीन व्यवस्था आपको मिल गई। तीन व्यवस्था कौन सी हो जाएगी? पहली हो जाएगी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा? कार्नवालिस के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या था? रैयत फिक्स था 1793 में। फिर 1822 में आती है एक व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था हो जाती? महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या था कि गांव या गांव के समूहों को इकट्ठा जो कर है उसका अनुमानित कर इकट्ठा जोड़कर सीधे गांव के मुखिया से अदा किया जाता था, उससे लिया जाता था और महल का अर्थ हो जाता था गाँव का मुखिया। उसके बाद तीसरी व्यवस्था कौन सी आई थी? मुंडरू व्यवस्था, जो कि अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुंडरू द्वारा साउथ इंडिया में चलाई गई। महलवाड़ी कहाँ थी? नॉर्थ इंडिया में, खास करके उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में। ये साउथ इंडिया में चलाई गई। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसका नाम था, रैयत का अर्थ किसान होता है, यानी कि इसमें डायरेक्ट किसान से ही कर लिया जाता था। अगला पॉइंट है, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। जो नील का पौधा होता है वो उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु भारत प्रदेश की है, तो इसलिए नील का पौधा उगाया जाता था। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। तो 13वीं सदी तक भारतीय नील का इस्तेमाल किया गया था और यह उष्णकटिबंधीय इलाकों का पौधा है। उस समय भारतीय नील की बहुत ही थोड़ी मात्रा यूरोपीय बाजार में पहुँचती थी और कीमत भी इसकी बहुत ऊँची थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादक को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। चूँकि उस समय यूरोपीय बाजारों में नील बहुत कम ही पहुंच पाता था और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी, इसलिए इसकी कीमत भी अच्छी थी, इसलिए जो यूरोप के कपड़ा उत्पादक थे वो एक वोड नाम के पौधे का इस्तेमाल करते थे, जो एक शीतोष्ण क्षेत्र में उगने वाला पौधा था। वोड शीतोष्ण क्षेत्र में उगने वाला पौधा था, लेकिन वोड की कीमत कम क्यों थी? पहली बात तो ये यहीं उगता था शीतोष्ण क्षेत्र, यानी कि यूरोपीय क्षेत्र में ही उगेगा तो लाने जाने वाले खर्च को नहीं जोड़ा जाएगा, और दूसरी चीज़
इसकी क्वालिटी भी थोड़ा सा डाउन थी, इसकी क्वालिटी भी थोड़ा सा कम थी, रंग इसका थोड़ा सा फीका था, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सस्ता था। वो पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादक ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। तो नील के साथ प्रतिस्पर्धा हो रही थी, कैसे, यूरोप के जो किसान थे, यूरोप के किसान तो वोट उगा रहे हैं, अब उनको तो दिक्कत हो रही है ना। और कोई भी सरकार होती है वो अपने लोगों को ज़्यादा सुनने का प्रयास करती है, भले उसका वहाँ थोड़ा सा नुकसान हो जाए, क्योंकि अगर वो उनके अपने ही लोग विद्रोही बन जाएंगे तो वो खुद दूसरे के देशों में कब्जे किए हैं, तो वो अपने ही देश में क्या हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब नील के साथ प्रतिस्पर्धा में नील वोट के उत्पादकों ने दबाव डाला तो नील के आयात पर पाबंदी लगा देने की मांग हुई। लेकिन कपड़े के रंगने वाले तो नील को ही पसंद कर रहे थे, ठीक है, ऐसा, लेकिन पाबंदी क्यों नहीं लग सकती थी, क्योंकि जो कपड़ों के रंगने वाले थे, जो रंगरेज होते थे, वो नील को ही पसंद करते थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि नील बहुत चमकदार नीला रंग देता था और वोट से मिलने वाला रंग बेजान और फीका लगता था, ठीक है। 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादक ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकार को राजी ही कर लिया। अब इसमें दो गुट हो गए थे, पहला तो वोट उत्पादक यानी कि स्थानीय किसान, ठीक है, इनको वोट किसान कहते थे, और एक क्या थे, रंगरेज, जो कपड़ा रंगने वाले थे। अब कपड़ा रंगने वाले तो नील की मांग करते हैं, वोट उत्पादक किसकी मांग करते हैं, नील की मांग को गिराने की बात करते हैं। तो कभी ये माना जाता था, कभी ये, लेकिन 17वीं शताब्दी तक कुछ ढील दे दी गई थी। 17वीं शताब्दी तक जो नील के नील की जो आयात का जो कुछ ढील दे दिया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, नील की खेती दो तरीके से की जाती थी, नीज और रैयत। नील की खेती दो तरीके से की जाती थी, नीज मतलब खुद की किसानी होती है। नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन, यहाँ कर लीजिए, खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदार से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो ये निज व्यवस्था हो गई, यानी कि खुद ही खेती करते थे, चाहे तो वो अपनी ज़मीन में करें या ज़मीन भाड़े पर लेके किसानों को लगवा कर काम करवाएं। अब बीघा भी आ गया है बीच में पॉइंट, निज और रैयती के बीच में एक बीघा पॉइंट आ गया है, देख लेते हैं। बीघा क्या है, ज़मीन की एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब एक तिहाई एकड़ तय कर दिया गया, ठीक है। बीघा जब ब्रिटिश शासन के आने से पहले क्या था कि अलग अलग माप, हर क्षेत्र में, उत्तर भारत में कुछ था, दक्षिण भारत में कुछ था, लेकिन ब्रिटिश शासन में क्या हुआ कि एक बीघा बराबर एक बटे तीन एकड़ फिक्स कर दिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब रैयत व्यवस्था देख लेते हैं। रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी कि सट्टा करते थे, यानी कि एक, जैसे कि अनुबंध का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य ही कर देते थे। अब गांव के मुखियाओं को ही बाध्य कर देंगे तो वहां के जो छोटे मोटे किसान हैं वो भी बाध्य हो जाएंगे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। अब जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जबरन तो कर ही नहीं सकते थे, तो कुछ लालच देते थे। लालच क्या देते थे कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लेगा कि नील वह उगाएगा अपने खेतों में, तो उसको कम ब्याज पर कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपना कम से कम 25% ज़मीन पर नील उगाना पड़ता था, और जो कर्जा ले लिया उसको अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा बनता है नील विद्रोह। नील विद्रोह देख लेते हैं। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया, ठीक है। बंगाल में नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा, मार्च 1859 में। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वाले को सामाजिक बहिष्कार कर दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूलों के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। तो जो गुमास्ता एजेंट आते थे, गुमास्ता शब्द भी आप देखेंगे क्या होता है, उनकी पिटाई भी की गई। रैयतों ने यह भी कसम खा ली कि ना तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे, ना ही बागान मालिकों के लठियारों, लाठीचारों, गुंडों से डरेंगे। तो नील विद्रोह मार्च 1859 में बंगाल में शुरू हुआ था। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। तो चंपारण जो सत्याग्रह था वह नील आंदोलन का ही एक भाग था, इसको ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में था, वो उसको राजकुमार शुक्ला ने इनको बुलाया था ना बिहार में, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि ने भी इनकी मदद की थी।
और ये नील विद्रोह के ही खिलाफ था। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी PDF वहाँ पर अपलोड कर दी गई हैं। चलिए फिर, धन्यवाद।